हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं ग्रीन पिज़्ज़ा का ऐसा इवनिंग स्नैक जिसे आप दो तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। और इस पिज़्ज़ा में हम डालेंगे एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो इसे बना देगा काफ़ी हेल्दी। और इस ग्रीन पिज़्ज़ा को ट्राई करने के बाद आप बाकी सारे पिज़्ज़ा भूल जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और बनाते हैं क्विक इवनिंग स्नैक ग्रीन पिज़्ज़ा रेसिपी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कटोरी जितना सूजी, और यहाँ पे मैंने मोटी सूजी ली है क्योंकि इससे हमारा जो ग्रीन पिज़्ज़ा है वो काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। तो इस 2 कटोरी सूजी को मैं डाल दूँगी एक बाउल के अंदर। और अब हम डालेंगे इसके अंदर 3 चम्मच जितना दही। यहाँ पे जो मैं दही ले रही हूँ वो एकदम फ्रेश ताज़ा दही है, खट्टा बिल्कुल भी नहीं है। तो सूजी और दही को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर आधा ग्लास जितना पानी, और हम रेडी कर लेंगे इसका सेमी थिक सा बैटर। इसको अच्छे से मिक्स करिएगा, दही की बिल्कुल भी गुठली नहीं रहनी चाहिए इस बैटर के अंदर। बैटर ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, सेमी थिक सा बैटर रेडी करिएगा। अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक स्वाद अनुसार। मैं यहाँ आधी चम्मच डाल रही हूँ, आधी चम्मच जितना जीरा। आप चाहें तो इसकी जगह जीरा पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और चुटकी भर जितनी मैं डालूंगी इसके अंदर हींग। तो बस इन सारी चीज़ों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा पानी और डाल के इसका बैटर रेडी कर लीजिए। और इसको अब हम ढक के रेस्ट होने देंगे कुछ अराउंड 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने आगे की प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है यहाँ पे हमारी हरी मटर, जो सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को भी बेहद पसंद आती है। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 1 कटोरी जितनी फ्रेश मटर, जिसको मैं डाल दूंगी मिक्सर ग्राइंडर में। और अब हम डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्च। यहाँ पे मैं एक बड़ी हरी मिर्च ले रही हूँ, अगर आप छोटी लेते हैं तो 2 डालिएगा। और बच्चों को अगर कम तीखा पसंद है तो आप इसमें आधी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे मैंने धो के छील के डाला है। अब हम डालेंगे इसमें 6 से 7 लहसुन की पुतलियाँ। और अब हम डालेंगे इसके अंदर फ्रेश कटा हुआ धनिया। यहाँ पे मैं 1 मुट्ठी जितना धनिया ले रही हूँ। तो बस अब ढक्कन लगा के हम इसे दरदरा सा पीस लेंगे, हमें इसे दरदरा सा पेस्ट रेडी करना है। तो इसमें अब मैं डालूंगी 2 चम्मच जितना पानी। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, इसका चटनी जैसा पेस्ट मत रेडी करिएगा, हमें इसका दरदरा सा पेस्ट रेडी करना है। मतलब मिक्सर को सिर्फ 3 से 4 बार चलाइएगा और आपका दरदरा पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो देखिए मैं इस सारे पेस्ट को एक बार एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ ढक्कन में से भी। और इस रेडी पेस्ट को अब हम डाल देंगे हमारे सूजी के प्रिपेयर्ड बैटर में। तो है ना हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने इतनी सारी सब्जियां डाली हैं कि अदरक है, मटर है, धनिया है, और उससे रेडी किया है हमने उनका ये डिलीशियस पिज़्ज़ा। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको भी हम ढक के रेस्ट होने देंगे 10 मिनट के लिए। अगर रेस्ट होने के बाद आपका बैटर काफ़ी थिक हो जाता है तो थोड़ा सा पानी डाल के आप उसे सेमी थिक बैटर कर लीजिए। और लास्ट में अब हम डालेंगे इसमें आधी चम्मच जितना बेकिंग पाउडर, और उसके ऊपर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर जो है वो अच्छे से इवनली पूरे बैटर में मिक्स हो जाए। बस यहाँ पे हो गया हमारा बैटर रेडी। अब हम चलते हैं इसे कुक करने की तरफ। तो एक नॉन स्टिक पैन में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 चम्मच जितना तेल, और उसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी, मतलब इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ी सी राई और थोड़ा सा सफ़ेद तिल, क्योंकि हम इस नाश्ते को खाने वाले हैं 2 तरीके से, इसलिए मैं यहाँ पे राई और सफ़ेद तिल का यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे ही राई और तिल अच्छे से चटक जाएंगे हम इसके ऊपर डाल देंगे अपना 1 चमचा जितना बैटर और रेडी कर लेंगे एक पैनकेक। आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई कितनी भी साइज़ दे दीजिए, मैं यहाँ पे मीडियम जो पिज़्ज़ा साइज़ होता है मैं उतना बना रही हूँ। और 1 चम्मच तेल डाल के हम इसे ढक के दोनों साइड से कुक होने देंगे जब तक कि दोनों साइड से क्रिस्पी हो जाता है। देख रहे हैं ना यहाँ पे रेडी हो रहा है हमारा हेल्दी पिज़्ज़ा जो कितना टेस्टी है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी है। इसे चटनी या फिर केचप या फिर चाय के साथ एंजॉय करिए, या फिर आप इसे इस तरीके से भी एंजॉय कर सकते हैं जिस तरीके से आज मैं आपको शो करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे रेडी हो गया मेरा ग्रीन पिज़्ज़ा का बेस। तो आज का ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो बस इसको अब हम रेडी कर देते हैं दूसरे स्टाइल में, मतलब पिज़्ज़ा में। तो उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे केचप, आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस ग्रीन पिज़्ज़ा को अब आप रेडी करिए अपनी पसंद की कोई भी टॉपिंग के साथ। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कैप्सिकम, ऑनियन और बॉइल्ड कॉर्न्स। आपके बच्चों को जो टॉपिंग पसंद है उससे इसे सजाइए और उनके लिए ये हेल्दी ग्रीन पिज़्ज़ा रेडी करिए। आप इसमें चाहें तो बेबी मशरूम्स हैं, बेबी कॉर्न्स हैं, ऑलिव्स हैं, चिली फ्लेक्स, हर्ब्स, आप सारी चीज़ें इसमें डाल के उनका एकदम हेल्दी पिज़्ज़ा रेडी कर सकते हैं। और इसके ऊपर लास्ट में हम स्प्रिंकल करेंगे काफ़ी सारा चीज़ और इसको अब हम ढक के कुक होने देंगे कुछ 1 मिनट के लिए, या फिर तब तक जब तक ये हमारा जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है ना। हमारा ये एकदम 2 in 1 वाला नाश्ता आप बड़ों को ऐसे ही इसे एज अ उत्तपम दे सकते हैं चाय केचप के साथ, और बच्चों को इसे पिज़्ज़ा की तरह बना के भी दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेडी हो गया है मेरा इंस्टेंट ग्रीन पिज़्ज़ा रेसिपी फॉर इवनिंग स्नैक, जो खाने में सच में बहुत टेस्टी है। आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आपका एक्सपीरियंस और फीडबैक मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपके पास कोई और रेसिपी है कि बच्चों को हम इस फॉर्म में भी पिज़्ज़ा खिला सकते हैं तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स पे आपकी रेसिपी बिल्कुल शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, बाय बाय।